हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर विनोद कांबले। इस वीडियो के अंदर मैं मुंबई यूनिवर्सिटी के जो आइडॉल के स्टूडेंट्स हैं, जिनको डिस्टेंस एजुकेशन भी बोला जाता है, वो स्टूडेंट्स के कुछ डाउट्स को सॉल्व करने वाला हूँ। मतलब कि आइडॉल के वेबसाइट को कैसे चेक करना है, कौन से इन्फॉर्मेशन कहाँ पे पाई जा सकती है, या कौन सा सर्क्यूलर कहाँ पे होता है, एडमिशन के लिए कहाँ पे क्लिक करना है, या एडमिशन में अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो क्या करना है, या एग्जाम के रिलेटेड जो डेट्स है वो कहाँ पे अपडेटेड होती है, तो वो सब मैं आप लोगों को यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मुंबई यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। मतलब आपका ये जो ब्राउजर होता है उसके एड्रेस बार के अंदर आप लोगों को मुंबई यूनिवर्सिटी का वेबसाइट का एड्रेस लिखना है, mu.ac.in। ये मुंबई यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल वेबसाइट का एड्रेस है। वहां पे आप क्लिक करोगे तो ये मुंबई यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल वेबसाइट ओपन होगा, ये इस तरीके से दिखता है। फिर यहाँ पे टॉप में लेफ्ट हैंड साइड में आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे डिस्टेंस एंड ओपन लर्निंग का ऑप्शन है, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है तो आपके सामने आइडॉल का ऑफिशियल वेबसाइट जो ओपन होगा, जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे सारे अपडेट्स आपको मिलेंगे, क्योंकि जो भी डिसीजंस होते हैं वो आइडॉल यहाँ पे अपने सर्क्यूलर के फॉर्म में स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म करता है। तो अगर कोई भी कुछ भी आपको इन्फॉर्मेशन देता है या कोई भी कंफ्यूजन है तो आप लोग क्या कर सकते हो, यहाँ पे आके उसको वेरीफाई कर सकते हो। यहाँ पे आपको सारी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलेगी। नाउ सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट न्यूज आप लोगों को बताता हूँ कि बच्चों के अंदर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है कि फर्स्ट ईयर के एडमिशंस, मतलब FYBCOM, FYBA, FYBSC, MCOM पार्ट वन, MA पार्ट वन, इसके एडमिशंस कब स्टार्ट होंगे। तो उसके लिए आइडॉल को UGC का परमिशन लेना पड़ता है। UGC का परमिशन आने के बाद में ही आइडॉल उसके एडमिशन जो है उसके डेट डिक्लेयर करते हैं। तो अभी तक वो डेट्स नहीं आए हैं, तो पहले एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि सितंबर के एंड तक वो डेट आएंगे तो एडमिशन के डेट डिक्लेयर करेंगे, लेकिन अभी वो अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक जा सकता है। तो आप लोग अक्टूबर के मिड तक वेट कर सकते हो, तब तक डेट्स आ जाएंगे और फिर बाद में आप लोग एडमिशन ले सकते हो। तो डेट्स के लिए आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है, आपको सफिशियंट टाइम एडमिशन के लिए मिलेगा, तो आप लोग उसके लिए थोड़ा वेट करो। और किस तरीके से आपको पता चलेगा कि डेट आए हैं कि नहीं आए हैं, या वो डेट कहाँ पे आए, वो सब मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो ये एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो मैंने आपको शुरुआत में ही बताई। अभी हम लोग आगे जाते हैं। कुछ बच्चे जो होते हैं उनको ये पता नहीं रहता है कि हम लोग पर्टिकुलर कोर्स के एडमिशन के लिए इलिजिबल है कि नहीं। तो आप लोग क्या कर सकते हो, यहाँ पे जो एडमिशन एंड प्रोस्पेक्टस का ऑप्शन आपको लेफ्ट हैंड साइड में दिख रहा है, उसके ऊपर क्लिक कर सकते हो और उसके अंदर आप प्रोस्पेक्टस में जा सकते हो। तो अगर सपोज आपको एमकॉम के लिए एडमिशन लेना है तो आपको आपकी इलिजिबिलिटी फाइंड आउट करनी है, तो आप लोग क्या कर सकते हो, यहाँ पे कॉमर्स के प्रोस्पेक्टस के अंदर जा सकते हो और यहाँ पे कॉमर्स के जो एडमिशन है उसके सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए हैं, सारे कोर्सेस वगैरह दिए हैं। अभी ये जो प्रोस्पेक्टस है 2020-21 का है, बाद में यहाँ पे वो लोग 2021-22 का अपडेट करेंगे, तो आप लोग वो 21-22 का प्रोस्पेक्टस जो वो चेक कर सकते हो, जहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि कौन से कोर्सेस होते हैं या कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, फीस कितना होता है, कोर्सेस का ड्यूरेशन कैसे होगा, कैसे एग्जामिनेशन पैटर्न होगा, सब आपको प्रोस्पेक्टस के अंदर मिलेगा। फिलहाल तो वो प्रोस्पेक्टस यहाँ पे अपडेटेड नहीं है, जैसे ही एडमिशन के डेट्स डिक्लेयर हो जाएंगे आपको यहाँ पे वो प्रोस्पेक्टस जो दिखाई देगा। तो यहाँ पे ये प्रोस्पेक्टस के अंदर आपको एडमिशन की सारी डिटेल्स मिल जाएगी। फिर बाद में दूसरा सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है कि एडमिशन के लिए हम लोग को कहाँ पे क्लिक करना है। तो आप लोग यहाँ पे होम पेज के ऊपर यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, क्लिक हियर फॉर आइडॉल एडमिशन, उसके ऊपर आप क्लिक कर सकते हो तो आपके सामने ये स्क्रीन ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप लोगों को क्लिक हियर फॉर फ्रेश एडमिशन, उसके नीचे यहाँ पे आपको क्लिक करना है और फिर बाद में आपको आपका नया यूजर आईडी पासवर्ड वगैरह क्रिएट करना है और फिर बाद में आप नेक्स्ट ईयर के लिए एडमिशन ले सकते हो। तो आप लोग किसी भी ईयर के लिए एडमिशन ले लो, आपका पुराना जो यूजर नेम है पासवर्ड है वो यहाँ पे नहीं चलेगा। नेक्स्ट ईयर के एडमिशन के लिए आप लोगों को नया यहाँ पे यूजर आईडी और पासवर्ड बनाना पड़ेगा। अगर आपको एडमिशन के रिलेटेड कुछ भी क्वेरी आती है या फिर कभी कभी ऐसे होता है कि आप एडमिशन लेते हो पेमेंट में कोई क्वेरी आती है, तो आप लोग ये नंबर के ऊपर कॉन्टेक्ट कर सकते हो। अभी ये नंबर जो है वो कंटिन्यूअसली कभी कभी बिजी आ सकते हैं, तो आपको थोड़ा पेशेंस से उनको बार बार ट्राई करते रहना है। एक ही बार में आपने कॉल किया और आपका वो कॉल आंसर हो जाएगा ऐसा नहीं है, बिकॉज बहुत सारे बच्चे होते हैं और सबके आंसर्स देने रहते हैं तो वो लोग बिजी रहते हैं। तो आप लोग यहाँ पे पब्लिक हॉलीडे छोड़ के या जो भी आपके संडेज वगैरह होते हैं वो छोड़ के और सेकेंड और फोर्थ सैटरडे छोड़ के आपकी जो भी क्वेरीज है वो पूछ सकते हो। मतलब 11 से 6 के बीच में आप लोग यहाँ पे कॉल कर सकते हो और आपके डाउट जो आप पूछ सकते हो। अगर आप रात को 10 बजे कॉल करोगे तो डेफिनेटली दे विल नॉट आंसर यू। सो ये सब चीजें आप लोगों को यहाँ पे ध्यान में रखना है। तो ये हो गया आपका एडमिशन के लिए कहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद में सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, यहाँ पे सारे जो अपडेटेड सर्कुलर्स होते हैं वो यहाँ पे फ्लैश होते रहते हैं, तो आप लोगों को यहाँ से इन्फॉर्मेशन मिल सकता है या फिर ये सेक्शन काफी इम्पॉर्टेंट है।
यहाँ पे आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल सकते हैं, जैसे आपके ऑनलाइन एडमिशन जैसे ही शुरू होंगे उनके डेट्स यहाँ पे दिखाई देंगे। अभी फिलहाल तो इन्होंने सारे डेट्स डिक्लेयर किए हैं, सिर्फ फर्स्ट ईयर के एडमिशन के डेट डिक्लेयर नहीं किए हैं। तो जैसे ही फर्स्ट ईयर के एडमिशन के डेट डिक्लेयर हो जाएंगे, यहाँ पे एक और सर्कुलर आएगा, आप उसके ऊपर क्लिक कर सकते हो। जैसे आप लोग ये सर्कुलर देख सकते हो, यहाँ पे सब डेट्स दिए हुए हैं, सिर्फ फर्स्ट ईयर का जो है वो डेट नहीं दिया हुआ है। तो फर्स्ट ईयर का डेट का सर्कुलर जो है, जैसे ही उनके डेट्स फिक्स हो जाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा। सो ये सेक्शन जो है वो आपको एडमिशन डेट्स के लिए, और अगर सपोज ऑनलाइन पेमेंट में कुछ भी क्वेरी आती है तो उसके नंबर्स भी यहाँ पे दिए हैं, और अगर आपको स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है तो उसका यहाँ पे डॉक्यूमेंट और डिटेल्स वगैरह दिए हुए हैं। तो ये सेक्शन आपके ऑनलाइन एडमिशन के इन्फॉर्मेशन के लिए काफी जरूरी है। और ये किसके लिए, जो जुलाई सेशन के बच्चे हैं उनके लिए। और सपोज आप लोग जनवरी सेशन के स्टूडेंट्स हो, तो जनवरी सेशन के स्टूडेंट्स के लिए एडमिशन के डेट्स यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे। अभी फिलहाल तो जनवरी सेशन के एडमिशन चालू नहीं है, अभी सिर्फ जुलाई सेशन के एडमिशन शुरू हो जाएंगे, तो वो लोग यहाँ पे उसके डेट्स देख सकते हैं। जनवरी सेशन का जब भी जनवरी के एडमिशन शुरू हो जाएंगे तभी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। फिर ऑनलाइन एग्जाम के रिलेटेड अगर आपको कोई भी अपडेट चाहिए तो वो यहाँ पे आप लोगों को दिखाई देगा। जैसे FYBCOM में सेमिस्टर 1 के अंदर, सेमिस्टर 2 के अंदर FC इंटरनल है, तो उसके डिटेल्स यहाँ पे दिए हुए हैं। एग्जाम कैसे होगी उसका गाइडलाइंस यहाँ पे दिया हुआ है। फिर आपको यहाँ पे कुछ सैंपल क्वेश्चन पेपर्स दिए, तो ये ऑनलाइन एग्जामिनेशन के रिलेटेड आपको सारे नोटिफिकेशंस यहाँ पे मिलेंगे। फिर आपके एग्जाम के जो टाइम टेबल्स होते हैं वो सब आपको यहाँ पे मिलेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है एग्जाम डेट्स फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन एंड ऑनलाइन एग्जाम टाइम टेबल, तो वो सब आपको यहाँ पे मिल जाएगा। फिर बाद में अगर आप लोगों का एटीकेटी के स्टूडेंट्स हो, तो एटीकेटी के स्टूडेंट का जो फॉर्म भरना पड़ता है एग्जामिनेशन के लिए, उसके सारे डेट्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो थोड़ा सा आप सर्च करो कि आप कौन से पैटर्न में आते हो और आपका कौन सा क्लास है, उसके हिसाब से अलग अलग सर्कुलर्स यहाँ पे आपको दिखाई देते होंगे। जो फर्स्ट होता है वो लेटेस्ट होता है, जैसे कि यहाँ पे देखो दिया हुआ है कि FYBA, SYBA, FYBCOM, SYBCOM, उसका जो एनुअल पैटर्न के स्टूडेंट्स है उनके फॉर्म के डेट्स इधर दिए हुए हैं। तो इस हिसाब से एटीकेटी के जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके एग्जाम के जो फॉर्म्स के डेट्स है वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। फिर बाद में बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि हमको हमारा स्टडी मटेरियल मिलेगा क्या, कितने बजे जाने का स्टडी मटेरियल कलेक्ट करने के लिए, सारे बुक्स अवेलेबल है क्या, तो उसका आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे पहला जो ऑप्शन है उसमें जो FYBCOM के बच्चे है उनका स्टडी मटेरियल का डिटेल है, और बाकी के जो भी कोर्सेस है उसके स्टडी मटेरियल का डिटेल जो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे तो कौन से सब्जेक्ट का स्टडी मटेरियल अवेलेबल है और डेट वाइज वो आपको बताएंगे। अभी जैसे कि यहाँ पे 17/8/2020-21 तक कौन से बुक्स अवेलेबल थे उसका पूरा डिटेल आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा। ये देखिए आपको FYBCOM के कौन से बुक्स अवेलेबल है वहां पे लिखा भी है, फिर SYBCOM के कौन से बुक्स अवेलेबल है, TYBCOM के कौन से बुक्स अवेलेबल है, तो सारे कोर्सेज का आप लोगों को यहाँ पे बुक्स अवेलेबिलिटी के बारे में लिखा हुआ है, आप लोग जाके वो बुक्स कलेक्ट कर सकते हो। और बुक्स कलेक्ट करने के लिए डेफिनेटली आप लोगों को पब्लिक हॉलीडे छोड़ के, संडेज को छोड़ के और सेकेंड और फोर्थ सैटरडे को छोड़ के बाकी के दिन आप 11 से 4 बजे के बीच में जा सकते हो, और बीच में उनका 1 बजे से 2 बजे तक लंच टाइम होता है तो उसमें वो आपको एंटरटेन नहीं करेंगे। तो आप लोगों को कभी भी आइडॉल में अगर जाना है वहां पे पर्सनली विजिट करने के लिए, तो आप लोगों को एक ध्यान में रखना है कि पब्लिक हॉलीडे, संडे और सेकेंड और फोर्थ सैटरडे जो होता है वो छोड़ के आप लोग किसी भी दिन जा सकते हो। पब्लिक हॉलीडे का मतलब क्या होता है, तो कैलेंडर के अंदर जो रेड कलर में डेट लिखा रहता है उसको पब्लिक हॉलीडे बोलते हैं। भले ही उस दिन आपको छुट्टी हो तो आइडॉल को भी उस दिन छुट्टी रहता है तो आप लोग नहीं जा सकते हो। तो ये किसी भी काम के लिए अगर आप आइडॉल में जा रहे हो तो ये आप लोगों को याद रखना है। फिर अगेन आपके दिमाग में यहाँ पे क्वेश्चन नहीं आना चाहिए कि आइडॉल आज चालू रहेगा क्या या कल चालू रहेगा क्या, कल मैं कितने बजे जाऊँ वगैरह, वो डाउट आपके दिमाग में आना नहीं चाहिए, बिकॉज मैंने क्लियरली आपको बताया है कि कौन से दिन पे कौन से टाइम पे आप जा सकते हो। फिर बाद में आप लोगों के एग्जाम होने के बाद में आपके रिजल्ट डिक्लेयर होते हैं, तो रिजल्ट आप लोगों को यहाँ पे दिखाई देंगे, तो उस हिसाब से यहाँ पे ऑनलाइन आप आपका रिजल्ट जो है वो देख सकते हो। फिर बाद में यहाँ पे मार्कशीट डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब पहले आपका यहाँ पे ऑनलाइन रिजल्ट डिक्लेयर होता है, फिर बाद में आपको उसकी मार्कशीट मिलती है, तो आपका मार्कशीट आपको मिल रहा है कि नहीं उसका अपडेट यहाँ पे आता है। तो यहाँ पे देखो MA एजुकेशन के मार्कशीट जो है वो मिलना शुरू हो गया है, TYBCOM के मार्कशीट मिलना शुरू हो गया। तो आपको आपने जो भी एग्जाम पास किया है उसका मार्कशीट डिस्ट्रीब्यूशन कब शुरू कर रहे हैं, शुरू हुआ है कि नहीं, उसका डिटेल यहाँ पे सब मिल जाएगा। तो अगेन इसका क्वेरी आपके दिमाग में नहीं आना चाहिए कि मार्कशीट हमारा मिल रहा है कि नहीं, तो यहाँ पे आपको सारे मार्कशीट्स के डिटेल मिल जाएंगे। तो ये सारे इंपॉर्टेंट सेक्शंस थे जो आप लोगों को आइडॉल के वेबसाइट पे चेक करने हैं।
उसके बाद में अगर सपोज आपको ऑनलाइन स्टडी मटेरियल चाहिए, आपको अगर फिजिकल बुक्स नहीं चाहिए, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ये जो राइट हैंड साइड में ऑप्शन है स्टडी मटेरियल फॉर डाउनलोड, उसके ऊपर अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको पूछेगा कि आप लोग सेमेस्टर पैटर्न में हो या ईयरली पैटर्न में हो। नाउ सेमेस्टर पैटर्न का मतलब क्या है कि आपको पता है 2020-21 से FYBCOM जो है वो सेमेस्टर पैटर्न में चला गया है, और 2021-22 से MCOM पार्ट वन जो है वो सेमेस्टर पैटर्न में जाएगा। उनको छोड़ के बाकी सब जो है ईयरली पैटर्न में आते हैं, तो उनका स्टडी मटेरियल आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। सो ऑनलाइन अगर स्टडी मटेरियल चाहिए तो वो भी आपको यहाँ पे मिल सकता है। तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन है जहाँ पे आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन जो है मिल सकती है। तो आइडल को कोई भी स्टूडेंट हो उसके माइंड में अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो वो लोग अपने रिलेटेड जो भी क्वेरीज है उस पर्टिकुलर सेक्शन में जाके देख सकते हैं। सो अगर आप लोगों को और भी कोई कंफ्यूजन है तो ये वीडियो को आप वापस से देख सकते हो कि आपको कौन से सेक्शन के अंदर कौन सा इन्फॉर्मेशन मिल सकता है। सो आई होप कि आप लोगों को सारे जो आपके डाउट्स है वो यहाँ पे अभी क्लियर हुए रहेंगे। इसके बाद में आपके माइंड में कोई भी डाउट जो है वो रेज नहीं होगा, बिकॉज मैंने आपको सब कुछ बताया कि एडमिशन के लिए कहाँ पे जाना है, फिर बाद में कौन से दिनों में आप लोग आइडॉल में जा सकते हो, फिर बाद में आपको एडमिशन के डेट्स कैसे चेक करना है, ATKT एग्जाम के डेट कैसे चेक करना है, ATKT एग्जाम फॉर्म के डेट कैसे चेक करना है, फिर बाद में आप लोगों को कौन सा स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, कौन सा स्टडी मटेरियल अवेलेबल नहीं है, उसको कैसे चेक करना है, एवरीथिंग आई टोल्ड यू। यहाँ पे एक और चीज इंपॉर्टेंट मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जिसके भी बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे किसी ने 4 साल पहले MCOM पार्ट वन दिया था, अभी उसको वापस से MCOM पार्ट टू देना है, या किसी के एडमिशन में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, या गैप हुआ है, या आपका ट्रांसफर सर्टिफिकेट का कोई भी इश्यू है, या आपका कोई भी क्वेरी होने दो, उसके लिए आप सीधे क्या करने का, आइडॉल में जाने का। उसका टाइम मैंने आपको बताया कि कितने बजे और कौन से दिन आप जा सकते हो, और वहां पे जाके आपको वो गाइड कर सकते हैं। बिकॉज ऐसी सारी जो कॉम्प्लिकेटेड क्वेरीज होती है उसके बारे में किसी को भी पता नहीं होता है, आए दिन यहाँ पे रूल्स चेंज होते रहते हैं। अगर आप किसी और की बात को सुनते हो और अगर सपोज वो बात सही नहीं निकली तो आपका एक ईयर जो है वो खराब हो सकता है। तो आप लोग कुछ भी कर रहे हो तो एक दिन का छुट्टी लेके आप आइडॉल के वहां पे जाओ जो सांता क्रूज कलीना में है, वहां पे जाके आप आपकी क्वेरीज जो है वो क्लियर कर सकते हो। किसी को भी अगर आप पूछते रहोगे तो हर एक जन आपको सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूज कर सकता है। तो जो भी आपके कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस है वो सब आप आइडॉल में जा सकते हो और वहां से क्लैरिफाई करवा सकते हो। तो ये सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मुझे आप लोगों से शेयर करनी थी। आई होप ये वीडियो आपको काफी ज्यादा यूजफुल रहेगा। आप ये वीडियो को जो भी आपके फ्रेंड्स है उनके साथ शेयर कर सकते हो ताकि उनके भी जो डाउट्स है वो सॉल्व हो सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, प्लीज डू लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल, एंड ऑल्सो रिकमेंड माई चैनल टू योर फ्रेंड्स। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।